हाय मेरा सिक्स सेवन वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की वीडियो में देखेंगे हम कॉन्फ़िगर एक नेटवर्क मॉडल बनाएंगे, स्टार टोपोलॉजी मॉडल बनाएंगे, जिसमें हम जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे इसके बारे में। और जो मैंने टूल्स कई बार बताए थे, जो इंटरफेस मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने वेरियस टूल्स बताए थे, और वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, जो वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कर दो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस लिंक दे के रखा है। इवन जो इस कोर्स का प्लेलिस्ट है उसका भी, वो भी आपका आई बटन पर क्लिक कर दो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देके है, तो वहाँ से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते सर अभी हम हैं। इस सिस्को पैकेट ट्रेसर के विंडो पे आ चुके हैं। तो अभी आज हमें क्या करना है, अभी हमें एक स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिक एक स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में एक हब होता है या फिर स्विच यूज करते हैं, और उसके आजू बाजू एक एंड नोड्स यूज होते हैं। अभी वो एंड डिवाइस या फिर एंड नोड्स कुछ भी हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम एक सिंपल स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यार अभी मैं स्टार टोपोलॉजी आप स्विच या हब से कर सकते हो। तो मैं पहली बार तो यहाँ पे हब यूज़ करूँ, कि हब और स्विच में आपको पता है कि यार दो एक एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस होता है। हब में फिल्टरिंग नहीं होता और स्विचेस में फिल्टरिंग होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको पीटी हब यूज़ करूँगा। पीटी हब एक बेसिक हब है, मतलब सबसे जो बेस कैटेगरी में जो है ना, उसे पीटी हब होता है। तो अभी हमने यहाँ पे पीटी हब यूज़ किया है। उसके बाद में अभी हमें एंड डिवाइसेस चाहिए, तो हमें एंड डिवाइसेस भी आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं पीसी ले लूँगा, तो पीसी भी आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे तीन पीसीज ले लूँगा, PC1, PC2 एंड PC3। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके होल्ड करना है इसको, और आप कहाँ पर भी ऐसा मूव कर सकते हो। एंड देन आपको अगर उस मोड से आपको बाहर निकलता है, एस्केप दबा सकते हो आपको चाहिए तो। और उसके बाद में अभी मुझे कनेक्शंस करने, तो कनेक्शंस के लिए मैंने गए बार जिस तरह से बताया था, हम ये जो लाइटनिंग वाला है, जो रेड में लाइटनिंग है सिंबल, वो हम यूज़ करेंगे। जिसमें यहाँ पे लिख के भी आता है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, तो हमें चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि यार अगर हब के लिए कौन सा कनेक्शन होता है, या फिर पीसी फिर हम स्विच यूज़ करने कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है, राउटर यूज़ करने कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है। तो यार वो जो कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम लोग ये जो डायरेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप है वो हम यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ ये कनेक्शन बनाने के लिए पहले आपको हब पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सिंपली वहाँ से जो जिस नोड पे आपको चूज करना है, जिस नोड पे आपको कनेक्शन लगाने का है, वहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है, और ये आपका कनेक्शन हो जाता है। और सिमिलरली आपको यहाँ पे हब इससे भी करना है, एंड इस नोड के साथ भी आपको करना है। तो इस तरह से आता है। यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंसेस में जाओगे, आप कंट्रोल आर दबा सकते हो तो प्रेफरेंस आ जाएगा, या फिर आप मैंने जैसे गए बार बताया था, ऑप्शंस में जाके आप प्रेफरेंसेस में जा सकते हो। तो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, आपको यहाँ पे दिख जाता है कि यार अगर हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल लेवल्स ही है। कभी कभार अभी यहाँ पे तो हमारा जो मॉडल है वो बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर जब अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आपको कुछ कुछ डिटेल्स हटानी होगी यहाँ पे, मतलब शो डिवाइस मॉडल लेवल्स। अगर हम डिवाइस मॉडल लेवल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो जाते हैं। देखो किस तरह से, देखो यहाँ पे आपको जो मॉडल नेम है वो दिखाई देता है। यहाँ पे हमने हब पीटी यूज़ किया, हमने बेसिक जो कॉम पीसी है वो यूज़ किया, तो उसका मॉडल कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है यहाँ पे। ऑलवेज शोड पोर्ट लेवल्स, ये पोर्ट लेवल बता, ये सारे ये इंटरफेस है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे आपको बता दूंगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये जो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे FA0, FA1, ये क्या है, जो ये इंटरफेस होते हैं। तो यार उसके बारे में आपको अभी आप कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो अगर आपको इस नेटवर्क को अगर नेम करना है, तो यार यहाँ पे मैंने बताया था कि प्लेस नोट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आप, ऐसे बोले वहाँ पे भी क्लिक करो, मतलब जहाँ पे भी आपको लिखना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्टार टोपोलॉजी मॉडल। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और अगर आपको एस्केप करना है इस मोड से, तो एस्केप बटन दबा दो तो वो एस्केप हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से कहाँ पे हिलाना है, तो यार मैंने यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके डबल क्लिक करके इसको आप कहाँ पे भी मूव कर सकते हो, मतलब प्रेस करके आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो। तो ये तो इस तरह से आप इसको नेमिंग कर सकते हो, आपका नेटवर्क को आपको नेम करना, या फिर कहाँ पे अगर आपको कुछ आगे आगे आपको बताना पड़ेगा, IP हमने कौन सा यूज़ किया, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें ये कर सकते हो। तो यार यहाँ पे अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम मैसेज नहीं सेंड कर सकते,
हम यहाँ पे सिंपल पीडीयू मैसेज सेल करेंगे जिससे कि तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैसेज नहीं सेंड कर सकते, उसके पहले हमें आईपी एड्रेस करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना पड़ेगा सबका। तो अभी मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो मैं लेके चल रहा हूँ 192.168.00। आपको कौन सा और आईपी एड्रेस चाहिए, मैं यहाँ क्लास सी का एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, क्लास बी आप कौन सा भी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैं आपको शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि क्लास फुल एड्रेस में पांच टाइप्स होते हैं, इसमें पांच टाइप्स होते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, तो इस तरह से होता है। नीचे के दो क्लास हम लोग यूज नहीं करते मुझे, या फिर मिलिट्री कुछ और पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो यूज क्लास होते हैं वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज हो जाते हैं। इस तरह से वो क्लास फुल एड्रेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैं और बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर आपको जाना है तो आप जीएफजी पे आप किसी और सोर्सेज पे जाके देख सकते हो इसके बारे में, और सर्च और अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर मैं वो पढ़ाने लगता तो पूरा एक ये इसी वीडियो में ये सारी चीजें ये पूरा वीडियो चले जाएगा। सो अभी आपको हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो भी आपको पीसी कॉन्फ़िगर करना है उसको आपको क्लिक डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे फास्ट इंटरनेट जीरो। अब ये देखो फास्ट इंटरनेट जीरो मतलब ये जो इंटरफेस है ना ये FA0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है फास्ट इंटरनेट जीरो। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1 लिख देता हूँ, 1.01 और जो लास्ट स्टार्टिंग एड्रेस है 0.0 या फिर जो लास्ट एड्रेस होता है 0.225 वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो एक जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो उसके बीच में आप जो भी नंबर्स है वो आप यूज़ कर सकते हो नेटवर्क आपको कॉन्फिगर करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग IP4 कॉन्फिगरेशन IP4 प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 192.168.1.0.1.1 मैंने यूज़ किया आईपी एड्रेस। और अगर आपको सबनेट मास्क चाहिए तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको फिर से मैं करके यहाँ पे अगर क्लिक करोगे सबनेट मास्क पे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका सबनेट मास्क। एंड बस आपको ओके भी की कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रखने का, ऐसे रखने का है। एंड देन आपको मैं अभी नेक्स्ट इसमें करके बताऊंगा। तो यहाँ फिर से हमें कॉन्फिग में जाने का है फास्ट इंटरनेट जीरो। सो यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे 192.168.1.2 आप सेम नहीं देते, 1.1 उसको दिया तो 1.2 इसको देना पड़ेगा, और जो थर्ड पीसी है उसको 1.3 देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने गए बार बताया कि सबनेट मास्क पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर आप एंटर भी दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका सबनेट मास्क। सो इस तरह से ये हो जाता है, PC1 का हमने कॉन्फिगर किया। उसके बाद में PC2 हमने कॉन्फिगर में जाना है फास्ट इंटरनेट, उसके बाद में IPv4 तो 192.168.1.2 या 3 1.3 एंड देन एंटर। तो एंटर यहाँ पे फिर से सबनेट मास्क आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हब के लिए तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, राउटर के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगर और राउटर के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, हब के लिए ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अभी ही इसी मतलब यहाँ से ही हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको सिमुलेशन मोड में बताऊंगा, पहले ही मैं रियल टाइम में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिमुलेशन में क्या होता है आपको दिख जाता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे फेस कैम आएगा तो दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे मैं एडिट फिल्टर्स में जाके मैं अभी फिलहाल के लिए सारे फिल्टर्स बंद कर दूंगा, सिर्फ ARP फिल्टर यूज़ करूँगा, क्योंकि ARP फिल्टर जो है वो मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, जो कि जो देखो जो अब इसके जो एप्लीकेशन होते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए IP एड्रेस की नीड होती है। तो IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया, बट उसके लिए क्या होता है कि जो मेन कॉम्बिनेशन किसमें होता है, नोड टू नोड होता है, मतलब किसी पीसी किसी हार्डवेयर से होता है ना, तो उसका एड्रेस कहाँ से, उसका मैक एड्रेस कहाँ से, उसका एड्रेस क्या होगा, तो उसका एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो वो फाइंड आउट करता है ARP, तो यार वो पैकेट सेंड करता है, और उसके बाद में हमें एक्नोलेजमेंट देता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये एक नोड है, यहाँ पे मैसेज सेंड करना है हमें। तो ये आपको ARP उसके लिए यूज़ होता है। सो जब मैं यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे अनक्लिक कर दिए है, तो बस यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। पहले मैं यहाँ पे शो ऑल नंग करके देता हूँ, शो ऑल नंग करने के बाद एडिट फिल्टर करने के बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ARP एंड बस। तो हमने ARP हमने सिलेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे सिमुलेशन पैनल में आपको समझ में आएगा कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल PDU पे क्लिक करेंगे, तो ये मैसेज वाला यहाँ पे देखो अब मैसेज आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सोर्स, पहले हमें सोर्स पे क्लिक करना है।
तो ये सोर्स है हमारा और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो देखो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन हमने जैसे ही क्लिक किया वैसे देखो यहाँ पे आ गया कि मतलब किस तरह से है, कहाँ पे PC0@device, अभी जो हमारा मैसेज है वो PC0 के पास है। तो जब हम इस को रन करेंगे और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे स्टेटस आ जाता है। सो यहाँ पे जब हम उसको प्रेस करेंगे कंटिन्यू करने के लिए, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैसेज आपका सेंड हो जाता है और किस तरह से मैसेज आता है। सो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने PC1 को हमने डेस्टिनेशन रखा था तो PC1 ने एक्सेप्ट कर लिया और PC2 ने रिजेक्ट कर दिया मैसेज। उसके बाद में देखो यहाँ पे हब फिर से जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है PC1, तो हब फिर से PC2 को भी सेंड करता है, PC0 को सेंड करता है। बट हमारा जो मैसेज होता है ना वो PC0 के लिए, हमने हमारा जो सोर्स है वो PC0 है, तो यार वो PC0 एक्नॉलेज करता है और PC2 उस मैसेज को एक्नॉलेज, जो PC1 ने जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया था वो PC2 रिजेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल जो स्टेटस है वो भी दिखाई देता है। और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है, मतलब जो हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और एक्नॉलेजमेंट भी अभी मिल चुकी है। सो यार अभी मेरे पास एक और एक चैलेंज है आपके लिए कि यार अभी यहाँ पे मैंने हब यूज़ किया है, आप देखो कि ये स्विच यूज़ करने के बाद क्या क्या होता है। मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने इस वीडियो में जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में भी आया भी होगा कि यार अगर हम स्विच यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है इसमें डिफरेंस है। तो अगर आप ये ट्राई करो कि यार स्विच यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, और भी हम मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे बस बस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हम सीख सकते हैं, तो यार बस के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले अगले अब इसके बारे में इसके बाद में वीडियो बना दूंगा। सो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी हिट कर देना, इससे आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए यार सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।